स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, शनि महाराज 24 जनवरी 2020 को सवेरे 9:52 पे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2.5 वर्ष तक ये मकर राशि में रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, कृपया इस चार्ट पे ध्यान दीजिए। 2.5 वर्ष तक ये मकर राशि में रहेंगे तथा वर्ष भर ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। शनि जो वक्री होंगे 11 मई 2020 को सवेरे 9:39 में उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण में ये वक्री होंगे मकर राशि में, तथा तदुपरांत ये मार्गी होंगे 29 सितंबर 2020 को सवेरे 10:43 में उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में ही। वर्ष भर ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं उन जातकों के बारे में जिनकी जन्म राशि मेष है तथा जिनका जन्म का जो लगन है वो मेष लगन है। जैसे कि कुंडली में देख रहे हैं, ये 12 घर है। यदि आपके पास कुंडली है और उसमें पहला अक्षर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन आता है, तथा यदि आपका नाम अ या ल, ए और एल इंग्लिश के वर्ड से आता है तो आपकी मेष राशि है। तो ये फलादेश जो किया जा रहा है जिनका मेष लगन है तथा मेष राशि है उनके लिए किया जा रहा है, कृपया ध्यान दीजिए। शनि आपके दशम स्थान में बैठे हैं। दशम स्थान होता है गवर्नमेंट का, कर्म का, व्यवसाय का, राज्य का तथा पिता का। अब तक शनि जो थे इसके अपोजिट हाउस में, इसके बैक हाउस में धनु राशि में बैठे हुए थे। शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान को स्लो करते हैं उनकी दृष्टि। यदि मित्र ग्रहों को देख रही है उनके तो फ़ायदा करती है, उनके शत्रु ग्रहों को या न्यूट्रल ग्रहों को देख रही है तो शत्रुवत व्यवहार, न्यूट्रल कर रहे हैं तो न्यूट्रल व्यवहार करते हैं। शनि अब तक 2.5 वर्ष आपकी धनु राशि में थे, भाग्य स्थान को इन्होंने आपके स्लो किया तथा ये आपके व्यवसाय के बैक हाउस में बैठे हुए थे तथा इन्होंने आपके व्यवसाय में इतना आपको मुनाफा नहीं किया। अभी आपके लिए खुशी की बात यह है, जिनका मेष लगन है तथा मेष राशि है, शनि आपके कर्म स्थान में आकर बैठे हैं। कर्म स्थान में ये आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। 2.5 वर्ष शनि आपके कर्म स्थान में रहेंगे, आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा तथा आगे के 2.5 वर्ष 2022 से 2025 शनि आपको व्यवसाय से और ज़्यादा लाभ कराएंगे, आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी होगी। अभी हम शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके मीन राशि पर है। 12वां स्थान शनि का जो रहता है, कोई भी कुंडली का 12वां स्थान रहता है विदेश का होता है, ये अपना तथा इसका जो स्वामी है मीन राशि का गुरु, ये आपके भाग्य स्वामी भाग्येश होकर बैठा हुआ है। मेष राशि का जो भाग्येश है गुरु, इस वर्ष आपके भाग्य स्थान में बैठा है। सितंबर में ये यहाँ पर आ जाएगा मकर राशि में, तो आपके व्यवसाय में और फ़ायदा कराएगा। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, आपके बाहरी संबंध आपके मजबूत होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि आपके वह स्थान में पड़ रही है तथा आपके जितने भी फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जहाँ आपका व्यापार है व्यवसाय है वहाँ पर आपको ये फ़ायदा कराएंगे, आपके भारी संबंध मजबूत होंगे। तथा इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके चतुर्थ स्थान पर, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि इंडिकेट करती है माता को, भवन को जिस घर में आप रहते हो, तथा आपके शरीर में आपके चेस्ट को, आपकी छाती को। तथा कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपको सर्दी खांसी मौसमी बुखार हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अपने जो सवेरे की वॉक है, जो अपनी एक्सरसाइज है उस पर ध्यान दीजिए। तथा शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी तुला राशि की होगी, जो कि शनि तुला राशि में उच्च का होता है, और तथा ये जो 10वीं दृष्टि है तुला राशि की, 7वां स्थान कुंडली में 7वां स्थान होता है क्लाइंट का। तो जो भी आपके क्लाइंट है जो फॉरेन में है तथा ये है आपके नेटिव जो आपके पड़ोस के हैं तथा जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ के क्लाइंट है तथा जो फॉरेन में क्लाइंट है, आपको व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, आपका व्यापार व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 7वां स्थान पत्नी का भी होता है, पत्नी से भी आपके संबंध अच्छे सुधरेंगे, अच्छे संबंध रहेंगे आपके। अभी हम बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। शनि जो वर्ष भर जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसका स्वामी सूर्य है, इसके देवता जो है विश्वदेव है, राशि स्वामी इसके गुरु तथा शनि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कौन सी बीमारियां देता है अब हम उन पर चर्चा करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इंडिकेट करता है डायबिटीज़ को, मधुमेह को। कृपया मीठा खाने से परहेज करें, एक्सरसाइज कीजिए, आपका बॉडी वेट बढ़ने ना दीजिए जिससे तकलीफ़ ना हो,
बॉडी में पेन होना, दांत दर्द, आंखों में इन्फेक्शन होना, फोरहेड की इंजरी हो सकती है। कृपया गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का ध्यान दीजिए। जो लेडीज़ हैं उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यूटेरस का प्रॉब्लम हो सकता है, कृपया ध्यान दीजिए। इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, नियमित खानपान रखिए, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब इसके उपाय की बात करेंगे। शनि की दृष्टि जहाँ पर है, यदि आपको नुकसान कर रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपका पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के मिट्टी का तिलक कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, तो आपको यश सफलता कीर्ति मिलेगी तथा आपके हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। आगे यदि आपको, आज हमने बात की है मेष लगन मेष राशि के बारे में, नेक्स्ट हमारा जो अध्याय होगा वो वृषभ राशि तथा वृषभ लगन के ऊपर रहेगा।